हेलो गाइस, कैसे हो? वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। तो गाइस, ये जो वीडियो है आज की, ये एक डिमांडेड वीडियो होने वाली है। और इस वीडियो में यार ऐसा नहीं है कि आपको कोई मोड देने वाला हूँ या फिर कोई चीज़ का डाउनलोड लिंक देने वाला हूँ। बेसिकली ये है कि आपको यहाँ पे इस वीडियो के अंदर मैं ये बताने वाला हूँ कि आपके जो GT San Andreas के अंदर जो क्रैशेज होते हैं, जो लैग होते हैं, उनको आप किस तरीके से फिक्स कर सकते हो। अब काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जो कि बहुत ज़्यादा जो है लैग फेस करते हैं और क्रैश फेस करते हैं। वो जैसे ही अपना मोड इंस्टॉल करते हैं अपने गेम के अंदर, उसी वक्त उनका गेम क्रैश हो जाता है। वो किसी यूट्यूबर के दिए हुए मोड को यूज़ करते हैं अपने गेम के अंदर तो उनका मोड क्रैश हो जाता है, और अगर वो खुद का मोड पैक बनाते हैं तो उनका मोड पैक क्रैश हो जाता है। सपोज़ अगर आपने कहीं से स्काईबॉक्स डाउनलोड किया और वो आपने इंस्टॉल करने की सोची, या फिर आपने कोई ग्राफिक मोड इंस्टॉल किया, बेसिकली ग्राफिक मोड्स में ज़्यादा होता है ऐसा कि ग्राफिक्स मोड आपने इंस्टॉल किया किसी यूट्यूबर से या फिर कोई साइट से, उसके बाद में आपका गेम क्रैश हो गया, ठीक है। और अगर क्रैश नहीं होता है कुछ कुछ लोगों के, तो कुछ लोगों के ये सीन होता है कि वो मोड तो इंस्टॉल कर लेते हैं लेकिन आफ्टर इंस्टॉलिंग मोड उनका जो गेम होता है बहुत ज़्यादा लैग होता है, और लैग होने की वजह से जो मोड का एक्सपीरियंस है वो बिल्कुल भी NS नहीं हो पाता और बिल्कुल मज़ा नहीं आता उस मोड को खेलने में, ठीक है। तो ये चीज़ जो है काफ़ी लोगों के साथ होती है, तो मैंने सोचा कि एक बार एक कम्प्लीट वीडियो बना देते हैं जिसमें मैं आपको सभी क्रैशेज के बारे में बता देता हूँ। इस वीडियो के अंदर जितने भी आपके GT San Andreas के अंदर क्रैशेज होते हैं ना, उन सबको मैं कैसे फिक्स कर सकते हैं वो मैं बताने वाला हूँ। तो अगर आप GT San Andreas के यूज़र हो, अगर आप GT San Andreas को अपने एंड्रॉयड में खेलते हो और साथ में मोडिंग भी करते हो, मोड्स भी बहुत ज़्यादा यहाँ पे आप यूज़ करते हो, तो आपको जो ये वीडियो पूरी देखनी है, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद में वो इतनी नॉलेज हो जाएगी कि अगर आप खुद का मोड बनाते हो तो आपको जो है एकदम अच्छी नॉलेज रहेगी कि क्या चीज़ मेरे को ऐड करनी चाहिए जिसकी वजह से मेरा गेम क्रैश ना करे, और कौन कौन सी चीज़ें हैं जो मेरे को नहीं करनी है जिससे मेरा गेम क्रैश करे। तो ये जो चीज़ है बहुत ज़्यादा आपके लिए हेल्पफुल होने वाली है। वीडियो थोड़ी बड़ी हो सकती है क्योंकि इस बड़ी वीडियो के अंदर मैं आप ऐसे चीजें देने वाला हूं जो आपको लाइफ टाइम तक बहुत ज्यादा काम आने वाली है। अगर आगे जाके आप कोई भी अपना खुद का मोड भी डिजाइन करते हो तो उनके अंदर भी ये जो चीजें हैं आपको बहुत ज्यादा यहाँ पे ध्यान रखनी है, वरना जो है आपको बहुत ज्यादा दिक्कत आ सकती है। तो ये वीडियो को मैं ज्यादा लंबी नहीं लूंगा, ये इंट्रोडक्शन था बेसिकली, क्या क्या चीजें थी वो बताना जरूरी था तो मैंने बता दिया। अब मैं आपको लेके चलूंगा गाइस, ये जो वीडियो होगी वो चैप्टर वाइज चैप्टर होगी, ठीक है। तो टाइमलेस में जो है डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम चलते हैं फर्स्ट स्टेप की, और फर्स्ट स्टेप क्या है वो देखो गाइस। फर्स्ट स्टेप निकल के आता है आपका हाई ट्रैफिक। अब हाई ट्रैफिक क्या है काफ़ी लोग पूछेंगे। सो हाई ट्रैफिक ये है कि आपके गेम में सपोज करो आपने एक मोड इंस्टॉल किया, ठीक है, एंड उसके बाद में आपने क्या किया कि मोड इंस्टॉल करने के बाद आपने गेम ओपन किया, आपने अपना नॉर्मली गेम प्ले किया, एंड अब क्या करोगे आप, अगर आपने कार्ड स्पॉन ओपन किया एंड वहाँ पे आप कार्ड स्पॉन करते जा रहे हो, यानी कि एक ही जगह पे आपने बहुत सारे कार्ड्स को जो स्पॉन कर लिया, ठीक है। अब उस सिचुएशन में क्या होगा, उस सिचुएशन में ये होगा कि आपका जो गेम है वो लैग करने लगेगा। अब ये चीज़ है बहुत ज़्यादा कॉमन है और काफ़ी लोग इस चीज़ पर ध्यान नहीं देते। अब आपका जो गेम है एकदम से लैग करने लगेगा और लैग करते करते आपका गेम क्रैश हो जाएगा। यानी कि मेरा कहने का मतलब ये है कि आपको अपनी गेम के अंदर जो है लोड बिल्कुल नहीं डालना है। ये एक फर्स्ट स्टेप है और कॉमन स्टेप है, इसके बाद में बहुत काम के स्टेप बताने वाला हूँ तो वीडियो जरूर देखना, ठीक है। तो ये फर्स्ट स्टेप है, इसका ध्यान जरूर रखना। तो फर्स्ट स्टेप आपका ये एंड होता है, चलते हैं सेकेंड स्टेप की ओर। सो लेट्स गो। सेकेंड स्टेप निकल के आता है फाइल मिसिंग। अब फाइल मिसिंग क्या है मैं आपको प्रैक्टिकल बताऊंगा। फाइल मिसिंग बेसिकली ये है कि आप अपना गेम ओपन करते हो, उसके बाद में स्टार्ट गेम करते हो, स्टार्ट न्यू गेम करते हो या रिज्यूम करते हो, जैसे ही आपका गेम लोड होता है, ठीक है, नो मैटर आपने स्टार्ट गेम किया, आपने रिज्यूम किया या फिर आपने कैसे भी स्टार्ट किया, उसके बाद में अगर आपको स्टार्ट होते ही आपकी लोडिंग स्क्रीन कंप्लीट होती है आपका गेम क्रैश होता है, इसका क्या सोल्यूशन है, ठीक है। काफ़ी लोग मेरे को बोल रहे थे, कमेंट भी आया था, इसका यह सोल्यूशन है कि आपको अपने GT San Andreas का फोल्डर ओपन करना है एंड आपको यहाँ पर देखना है कि मेरी कोई फाइल मिसिंग तो नहीं है। मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ। सी ये है आपका GTA 3 का फोल्डर, आप जैसे ऊपर देख रहे हो ये GTA 3 का फोल्डर है। अब नीचे यहाँ पे GTA 3 की जो IMG फाइल है वो गायब है। अब आप GTA 3 का फोल्डर तो मेरे फोल्डर के अंदर है लेकिन मेरे पास GTA IMG नहीं है जबकि दोनों होनी चाहिए। तो अब मैंने यहाँ पे GTA 3 की IMG डाल दी है, ठीक है। अब GTA 3 IMG डालने का क्या फ़ायदा हुआ वो मैं आपको बताता हूँ। ये डालने से ये होगा कि आपका जो गेम है वो क्रैश नहीं होगा। यानी कि कहने का मतलब ये है कि आपको जो है देखना है अपने गेम के अंदर जाके, अपने फोल्डर के अंदर जाके, और ये चेक करना है कि आपकी जो फाइल है वो मिसिंग तो नहीं है। तो वो आपको अच्छे से चेक करना है एंड देन आपका जो गेम है वो क्रैश नहीं करेगा।
चलते हैं गाइस नेक्स्ट स्टेप की ओर, निकल के आता है स्टेप 3 जो कि है यूजलेस क्लोज स्क्रिप्ट्स। अब ये क्या है यूजलेस क्लोज स्क्रिप्ट्स? बेसिकली ये है कि आपको जो है अपनी क्लोज स्क्रिप्ट को जो है यूजलेस क्लोज स्क्रिप्ट को जो है डिलीट कर देना है। सी अब इसका क्या सॉल्यूशन है जो कि है यूजलेस क्लोज स्क्रिप्ट, मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाता हूँ। सी यहाँ पे मैंने स्टार्ट गेम किया, न्यू गेम करते ही सेम अभी जो मैंने आपको प्रीवियस प्रॉब्लम बताई थी सेम यही चीज़ इस पर यहाँ पे अप्लाई होती है। मैं यहाँ पे ये जो गेम है ये लोड करता हूँ, लोड करने के बाद में यहाँ पे जो मेरा गेम है लोड भी हो जाता है और ये भी लिखा आता है कि स्टोरी जो है स्टार्ट होने वाली है एंड उसी के वक्त गेम क्रैश। अब इसका क्या सॉल्यूशन है? इसका ये सॉल्यूशन है कि आपको अपनी गेम के अंदर अपने फोल्डर में जाना है जेड आर्चीवर के अंदर, और वहाँ पे अपने गेम के फोल्डर में जाने के बाद आपको ये देखना है कि आपने जो है कितने सारे क्लोज स्क्रिप्ट करी हुई है। ये जो है ज़्यादा ट्रैफिक भी आपके गेम के अंदर इंस्टॉल करती है और इनसे कभी कभी गेम क्रैश भी होता है और लैग भी होता है। तो आप क्या कर सकते हो, आप ये कर सकते हो कि जो फाइल आपके काम की नहीं है उसको आप डिलीट कर सकते हो। सी यहाँ पे मैंने जो है जो मेरे काम की फाइल्स नहीं है उनको मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ और मैं अभी उनको डिलीट करने वाला हूँ। सी तो ये है जो फाइल मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ ये मेरे काम की नहीं है बिल्कुल भी। आपको अपने फोल्डर के अंदर चेक कर लेना, ये राडार है जो मेरे काम का नहीं है और यहाँ पे देख लो और कौन कौन सी चीज़ें जो आपकी काम की है उनको रखो और जो काम की नहीं है वो हटा दो। ये है स्काई बॉक्स, ये फाइल है जो मेरे को नहीं चाहिए एंड और कौन कौन सी ऐसी फाइल्स है जो यूजलेस है इनको भी डिलीट कर सकता हूँ। तो यहाँ पे एक 60fps की फाइल ले लेते हैं एंड दूसरी तो 60fps की फाइल है ही अपने पास एंड उसके अलावा और यहाँ पे आप देख लो कोई दिक्कत नहीं। ओके सब कुछ अपने यूजलेस फाइल को सिलेक्ट करके डिलीट कर दिया, दैट्स इट। अब डिलीट करने के बाद में यहाँ पे थोड़ी सी फाइल अपन के पास रह जाती है एंड जैसे आप ये करते हो तो आपका जो गेम है वो बिल्कुल क्रैश नहीं होगा और आपका जो गेम है बहुत अच्छे से रन करेगा। तो ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है और जिससे जो है गेम आपका क्रैश करता है। तो चलते गाइस बिना टाइम वेस्ट करें स्टेप 4 की ओर जो कि आता है इन गेम स्पॉन। अब इन गेम कार्ड स्पॉन बेसिकली क्या है कि होता क्या है कि आप जो है कार्ड स्पॉन करते वक्त कोई ऐसी कार स्पॉन हो जाती है एंड उसी वक्त जो है आपका गेम क्रैश हो जाता है। अब इसका क्या सॉल्यूशन है? इसका ये सॉल्यूशन है कि आप जो है उस पर्टिकुलर कार को जो है अपनी गेम से रिमूव कर सकते हो। जो जिस कार को आप लाते ही आपका गेम क्रैश होता है तो उस कार को आप रिमूव कर सकते हो और रिमूव का एक प्रोसेस होता है वो मैं इस वीडियो में नहीं बताऊंगा क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी अगर मैं ये चीज़ बताऊंगा तो। बट ये चीज़ जो है आप दूसरी जगह पे देख सकते हो कि अगर एक कार की वजह से आपका गेम क्रैश हो रहा है तो उस कार को आप रिमूव कर दो या फिर उसको किसी और टेक्सचर के साथ रिप्लेस कर दो। इस सिचुएशन में क्या होगा कि आपका जो फाइल है वो फ्रेश हो जाएगी, रिफ्लेक्शन सब अच्छे से प्रॉपरली सेट हो जाएंगे एंड उसके बाद में टेक्सचर अच्छे से सेट होने के बाद में आप अपना गेम चालू कर सकते हो और वो कार जो है यूज़ कर सकते हो। इससे भी काफ़ी लोगों का गेम क्रैश होता है तो ये चीज़ ज़रूर करना एंड इससे जो है आपका ये वाला जो क्रैश होगा वो फिक्स हो जाएगा 100%। ठीक है चलते गाइस नेक्स्ट स्टेप की और जो कि निकल के आता है स्टेप 5 रीनेम प्रॉब्लम। अब रीनेम प्रॉब्लम तो काफ़ी लोगों को पता है क्या होता है। रीनेम अपन गलत कर लेते तो अपन गेम ओपन करते हैं, ऑफलाइन के बटन पर क्लिक करते हैं एंड अपन का गेम क्रैश, सीधा गेम क्रैश गाइस। जी हाँ सीधा गेम क्रैश। इसका क्या सॉल्यूशन है? इसका यह सॉल्यूशन है कि आपको अपना गेम ओपन करना है, GTA 3 फोल्डर में जाना है। यहाँ पर आपको देखना है आपने कोई गलत टाइप तो नहीं किया है। सी देखो मेरा यहाँ पे गलत टाइप हुआ है, ऊपर ETC लिखा हुआ है और सब जगह PVR लिखा हुआ है तो मैं ये जो ETC है इसको हटा देता हूँ क्योंकि मेरा पावर VR है तो मैं ऑब्वियसली PVR लिखूंगा। तो मैं यहाँ पे ETC हटा के PVR लिखता हूँ। सी मैंने यहाँ पे डन कर दिया एंड अब देखो अब यहाँ पे तीनों पे PVR हो चुका है सेट एंड अब जो मेरा गेम है वो रेडी हो चुका है। यहाँ पे TXD का भी आप चेक कर लेना आपने गलत तो नहीं किया हुआ है। बेसिकली इनमें क्या होता है कि अगर आपने एक पॉइंट भी नहीं लगाया ना तो आपका जो गेम है वो क्रैश हो सकता है, यानी कि आपको पूरा प्रॉपरली जो है रीनेम करना होता है ताकि जो आप गेम है वो आपकी फाइल्स को डिटेक्ट कर पाए। तो ये है सबसे कॉमन चीज़ और यही चीज़ें होती है कॉमन जिसकी वजह से काफ़ी लोगों का जो गेम है वो क्रैश करता है और यही एक सबसे बड़ा रीज़न है कि काफ़ी लोग जो है इस क्रैश से थक जाते हैं और YouTube पर सर्च करते हैं कि हाउ टू फिक्स क्रैश। तो एक पर्टिकुलर क्रैश मैंने नहीं बताया इस वीडियो में मैंने आपको वो सभी चीज़ें बताई है जिनकी वजह से आपका गेम क्रैश करता है। पूरी 5 चीज़ें बताई है मैंने, 5 स्टेप्स बताए एंड आई होप कि जो 5 स्टेप्स है ये आपके वर्क करेंगे। रुको वीडियो छोड़ के मत जाना भाई, यहाँ तक वीडियो देखिए तो आगे वीडियो आपको ज़रूर देखनी है। अब एक मिनट की वीडियो है, एक बात आपसे कहना चाहूँगा कि अगर आपको इससे रिस्पॉन्स मिलता है ये आपको हेल्प करता है, अगर आप
आपको लगता है कि ये वीडियो एक लाइक डिजर्व करती है, बंदे ने मेहनत की है एडिटिंग वगैरह में एंड रिसर्च करने में, तो आपको क्या करना है, लाइक के साथ, सब्सक्राइब के साथ, बेल नोटिफिकेशन ऑन करके, कमेंट करके एंड आगे शेयर करना है। ये चीज़ें करने से ना गाइस मेरे को बहुत मोटिवेशन मिलेगा एंड सीरियसली मुझे बहुत खुशी होगी कि मैंने एक वीडियो पे मेहनत करी और किसी बंदे ने मेरे लिए इतना कुछ किया, क्योंकि मैंने उसको बहुत अच्छी नॉलेज प्रोवाइड करी है एंड ये जो नॉलेज है ये आपके लाइफ टाइम तक काम आने वाली है, जब तक आप मोडिंग की दुनिया के अंदर जी रहे हो। तो ये जो चीज़ है आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल करेगी एंड आई होप कि इस वीडियो पे आप लाइक करोगे। अगर आपको लगता है ये वीडियो लाइक डिजर्व करती है, सब्सक्राइब करने के डिजर्व है, तो आप प्लीज़ करिएगा, कंजूसी मत करना, ये करने में बहुत छोटा सा स्टेप है, ठीक है, तो कर देना। साथ में बेल नोटिफिकेशन कॉल पे जरूर करना, क्योंकि बंदे सब्सक्राइब्ड बहुत है, काफ़ी लोगों ने सब्सक्राइब कर रखा है लेकिन नोटिफिकेशन तो ऑन ही नहीं किया हुआ, तो नोटिफिकेशन जाता ही नहीं है, फिर सब्सक्राइब करने का क्या सेंस है भाई। सब्सक्राइब आप कर रहे हो, आप नोटिफिकेशन कॉल पे नहीं कर रहे, तो कोई सेंस ही नहीं है आपके पास नोटिफिकेशन जाएगा, तो सब्सक्राइब करके रख दोगे तो और कुछ नहीं होने वाला, खाली सब्सक्राइबर बढ़ेंगे मेरे और कुछ नहीं होगा। तो आपको बेल नोटिफिकेशन कॉल पे करना है ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आए, आपका फायदा हुए, नए नए मोड्स आने वाले हैं, चैनल पे कनेक्टेड रहो, आगे भी बहुत सारे मोड पैक्स, काफ़ी सारे चीज़ें, काफ़ी सारे बीटा वर्जन GTA 5 GTA 4 के जो है मैं एंड्रॉइड के लिए लाने वाला हूँ। सो स्टे कनेक्टेड दिस चैनल गाइस, मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। और एक बात, ये जो आप मोड पैक देख रहे हो ना स्क्रीन पे, ठीक है, इनका लिंक जो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, जो मैंने मोड पैक्स इस वीडियो के अंदर यूज़ किए, जो ग्राफिक्स मोड पैक आपको देखने के लिए मिले इस वीडियो में, तो वो जो है सबके सब लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए है। एंड ये वाली जो प्ले लिस्ट है ये चेक जरूर करना, जिसका लिंक आपको ऊपर आपको दिख रहा है, ये प्लेलिस्ट है जो कि बहुत ज्यादा हेल्पफुल करेगी आपको, आपके हर एक मनपसंद का मोड यहाँ पे अवेलेबल होगा, तो एक बार प्लेलिस्ट को चेक करो, बहुत मजा आएगा। तो गाइस बहुत हो गई बातें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो अगेन एंड साइनिंग आउट।